हेलो नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं पूर्णिमा का व्रत क्यों किया जाता है? अगर किसी व्यक्ति का मन गलत संगति में पड़ने लग जाए, गलत दिशा में जाने लग जाए, वो पूर्णिमा का व्रत करता है तो उसका मन सही हो जाता है, वो सही दिशा में आ जाता है। मन को गलत जगह ले जाने वाला कौन होता है? वो चंद्र होता है। व्यक्ति की राशि के अंतर्गत, व्यक्ति की पत्रिका के अंतर्गत, व्यक्ति के ग्रह दशा के अंतर्गत जब चंद्र बेकार चलता है तो व्यक्ति अच्छा करते करते भी बेकार काम करने लग जाता है। घर पर कलेश, घर में विवाद जो होता है वो चंद्र की गड़बड़ होने से ही होता है। अगर किसी का लड़का या लड़की गलत संगत में पड़ने लगे तो चंद्र ही उसका गड़बड़ होता है। हमारे हिंदू धर्म में ज़्यादातर महिलाएं पूर्णिमा का व्रत रखती हैं। प्रत्येक महीने की पूर्णिमा को जिनके घर में दूध से बनी सामग्री बनती है, खीर का प्रसाद बनता है, उसके घर में कभी कलेश नहीं हो सकता। लेकिन प्रत्येक महीने की पूर्णिमा को करना होता है, ये नहीं कि एक महीने की पूर्णिमा को बना लिया बस हो गया। दूध से बनी सामग्री जरूर पूर्णिमा के दिन बनाएं, बनाकर भोग लगाएं और चंद्रदेव को भी दिखाएं। उसके साथ साथ अपने घर के सभी सदस्यों को खीर का प्रसाद भी दें। अगर आप ऐसा करोगे तो आपके घर में कलेश नहीं होगा, आपके घर के बच्चे गलत संगति में नहीं पड़ेंगे। धन्यवाद।